तो मेहंदी लगा के कंप्लीट कर दी। ये रहा, हम लोग पाइप से धोते हैं, गीला उला कर दिए हैं तो जल्दी। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं सुबह ही जल्दी से नहा धोवा के फ्रेश हो गई और मैं जा रही हूँ मंदिर, और बच्चे लोग को भी बोली जल्दी से नहा लो, तो लोग भी नहा लिए हैं और रेडी हो रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा, हम लोग ये पास के मंदिर में ही जा रहे हैं, हनुमान मंदिर। तो चलते हैं जल्दी से, आप लोग को रेडी होने देते हैं उसके बाद। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। तो इधर नबू लोग भी नहा धोवा के रेडी हो गए हैं, नैन्सी, आकृति, हम लोग सब कुछ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं नबू? पूजा करने। नबू, मैं बताऊँ। हाँ, पूजा करने। अच्छा, चलो फिर चल। हाँ चलो। तो गाइस, हम लोग निकल गए हैं अब मंदिर जाने के लिए, और इधर नैन्सी कुछ बोलना चाहती है तो बोल दे नैन्सी। हेलो गाइस, 12 मिनट पूछने वाले हैं, पूजा करने जाने के बाद पूजा करेंगे। तो गाइस, ये रहा मंदिर, हम लोग पहुंच गए हैं। तो गाइस देखिए, सो गाइस, हम लोग का पूजा वगैरह तो हो गया, नबू लोग तो अंदर नहीं गए थे, पर नैन्सी के साथ हम लोग गए थे अंदर, पूजा उजा करके आ गए हैं। तो चलते हैं अब घर, बहुत धूप भी हो गया है, बहुत लेट में आए थे ना हम लोग। तो गाइस, हम लोग तो घर पहुंच गए, है ना नैन्सी? है। और बहुत ही धूप लग रहा है, क्या ही बताऊं। तो मैं चलती हूँ जल्दी से अब खाना खाने के लिए, मेरे को क्लास भी जाना है। तो इधर खाना और केला का सब्जी निकाल ली हूँ मैं। तो पानी लेके नहीं आई थी, तो मैं लेके आई फ्रिज का। हाँ, तो इधर नैन्सी मेरे लिए पानी ला दिया, इधर नबू बैठ के मिठाई खा रही है। हाँ, तो गाइस खाना वगैरह तो खा ली मैं, तो चलती हूँ अब क्लास, तो आप लोग को वहीं जा करके मिलती हूँ अब। तो गाइस, मैं तो सेंटर पहुंच गई, तो चलती हूँ अंदर, और मैं इसको भी नहीं खोली इसका आपको, तो चलिए चलते हैं अब। तो गाइस, मैं तो घर पहुंच गई, और आते ही इधर नब्बू के साथ हूँ माए, इधर नब्बू के साथ हूँ माए। इसका थोड़ा खांसी नहीं ठीक हुआ, मत कर इसको, मत कर। हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हो गई। इसका थोड़ा सा तबीयत खराब था, तो ठीक हो। क्या ऐसे करेगी? क्या चीज? बैठ बैठ बैठ। तो क्या चीज? मेहंदी को नहीं खेलना है, कहाँ रखेगी? तो नबू टेबल के नीचे क्या कर रही है? क्या कर रही है यहाँ पास? तो गाइस, चलते हैं अब फर्श को धोने के लिए, मेरा रूम का भी पोछा लगाऊंगी मैं, और बाहर सब भी आंगन का फर्श को धोना है, तो चलती हूँ। तो इधर हम लोग पाइप से धोते हैं, गीला उला कर दिए हैं, तो जल्दी से झाड़ू लगाती हूँ मैं अब। तो गाइस, इधर तो धो लिए आंगन को, इधर रूम को भी मैं धो ली। तो अभी नैन्सी आई है, कहाँ गई थी नैन्सी? तो अभी आ रही है तू? एकदम गर्मी से देख तो तेरा कैसे पसीना निकल रहा है, एकदम थक गई है, दौड़ते दौड़ते आ रही थी का? हाँ। तो एकदम ये थक गई है, और अभी शाम हो गया, फिर भी एकदम धूप लग रहा है। तो अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेहंदी प्रैक्टिस हो जाए मेरे हाथों में। वैसे तो आप लोग को कल दिखाई थी, ड्राइंग कॉपी में बनाती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ आज अपने हाथ में लगा लूँ, मेरा हाथ भी खाली हो चुका है, बहुत दिन से मैं लगाई भी नहीं हूँ, तो इसमें लगाती हूँ। तो आप लोग को दिखाऊंगी आज कौन सा डिज़ाइन लगा रही हूँ। तो आप प्लीज़ आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा, और ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइस, मैं तो मेहंदी लगा के कंप्लीट कर दी, ये रहा मेरा मेहंदी का डिज़ाइन, देख सकते हैं सिंपल वाला ही लगाई हूँ मैं, बहुत टाइम लगता है लेकिन, क्योंकि फिनिशिंग के साथ लगाना पड़ता है ना,
तो टाइम लग गया मेरे को लगाने में, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाई। तो अभी मेरे घर में कोई नहीं है, सब कोई चले गए हैं। मेरे बगल में एक मेहमानी हो रहा है, मतलब शादी होने वाला है, तो हम लोग का मेहमान आते हैं तो ऐसे आए हैं, तो सब कोई चले गए वहाँ पे। मैं अंदर मेहंदी लगा रही थी तो मेरे को छोड़ के सब कोई चले गए, तो मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ पास। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। तो गाइस, आप लोग को तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाती हूँ, बस घर घर में रहती हूँ उसको, और आती जाती हूँ उसी को बस दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा घूमना फिरना हो ही नहीं रहा है। आपके भैया आते हैं तो कभी कभार जाती हूँ घूमने फिरने, और अभी तो मैं आप लोग के लिए डेली ब्लॉग बना रही हूँ। बस घर का रूटीन देख रहे हैं क्या है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, बस क्लास आना और जाना, और क्लास में भी ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते हैं अभी। गवर्नमेंट वाला में तो बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो प्राइवेट वाला तो बंद है अभी, वो भी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। मेरा तो वहाँ पर अभी मेकअप क्लासेस चल रहा है, तो आप लोग को मेकअप ही दिखाऊंगी। और किसी को मेहंदी लगाना होगा, शादी पार्टी या कुछ भी पार्टी हो, मेरे को बताइएगा, कमेंट करिएगा। मेरे अगल बगल के होंगे, वहाँ तक तो मैं जा ही सकती हूँ मेहंदी लगाने के लिए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे दूंगी। वैसे अभी तो मैं किचन में आ गई हूँ, मैं और पापा बस हैं, तो मैं सोच रही हूँ आलू का भुंजिया ही बना लेती हूँ दोनों जन के लिए। और अभी ना 7 बज गया है और अभी तक अंधेला नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं कितना इंजोला है। अभी 7 बज गया और कितना इंजोला है। तो इधर आलू ले ली हूँ मैं, तो इसको काटती हूँ अब। तो इधर मैं खाना बनाने के लिए चढ़ा दी हूँ, इधर आलू भुंजिया बनाने के लिए कड़ाही। खाना मैं छोटा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि पापा के लिए बस बनाना है आधा गिलास, तो उतना में हो जाएगा, और मेरे लिए तो दिन का बचा है, उसी को खा लूंगी मैं। इधर आलू भी काट के रेडी कर दी, और प्याज और मिर्चा भी काट ली। इधर जीरा डाल ली मैं, तो गाइस अब आलू में नमक डाल देते हैं, नमक डालने से जल्दी पक जाता है। तो इधर मेरा आलू भुंजिया बन के रेडी हो गया। तो गाइस मैं तो खाना पीना बना ली और खा भी ली, तो मैं वीडियो को भी यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।